नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने सिस्टम को ट्रिपल बूट कैसे कर सकते हैं, क्वाड बूट कैसे कर सकते हैं, ऑक्टा बूट कैसे कर सकते हैं, समझ गए। तो आप कितना भी चाहे सिस्टम, मतलब कितना भी, लगभग ऑलमोस्ट जो है सो 8 तक कहिए ना, 8 तक जो है सो 8 नंबर तक 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक साथ चला सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम में, बशर्ते उसमें स्टोरेज होना चाहिए 8 सिस्टम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको अगर पता होगा अगर लैपटॉप के बारे में ज़्यादा, तो ये बात पता होना चाहिए आपको कि कोई भी पार्टीशन जो है सो 4 बार ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी पार्टीशन 4 बार ही एक डिस्क ड्राइव में 4 बार ही क्रिएट किया जा सकता है, और इसकी वजह से आप लिमिटेड हो जाते हैं कि मतलब एक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जनरली मैक्सिमम जो है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम, दो चलाना आसान है। जैसे मान लीजिए कि हम उबुंटू और विंडोज़ को साथ में इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए पहले विंडोज़ आप पूरे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप में देखिए पहले अगर आप लैपटॉप खरीदे, ठीक है, कोई आप में अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि उबुंटू हो गया, कोई और लिनक्स है या डॉस हो गया, इस तरीके का कुछ, तब आपको विंडोज इंस्टॉल करने में आपके लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत होगा। आपका डिस्क जो है सो बार बार नहीं लगा इंस्टॉल, या फिर पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा, बहुत सारा ही प्रॉब्लम आएगा। तो आपको बेसिकली यही करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा पार्टीशन जो है सो डिस्क पार्ट में जाके क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है डिस्क पार्ट में जाकर कैसे पार्टीशन क्लीन करते हैं इंस्टॉलेशन के समय, तो आप जो है सो यूट्यूब पर आराम से सर्च मार सकते हैं हाउ टू क्लीन मतलब होल हार्ड ड्राइव इन विंडोज, तो वो बेसिकली बता देंगे। ड्यूरिंग पार्टीशन ये भी लिख दीजिएगा साथ में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कहने का मतलब आपको पूरा का पूरा डिस्क क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कि उबुंटू से मैंने जब विंडोज में शिफ्ट की, मतलब जो है सो विंडोज जब इंस्टॉल किया उबुंटू की जगह, तो बेसिकली वो ले नहीं रहा था पार्टीशन, बेसिकली आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा EFI ऐसे पता नहीं क्या था, लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा हम समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या करें नहीं करें। तो बहुत देर रिसर्च करने के बाद पता चला कि यार पूरा का पूरा डिस्क क्लीन करके देखते हैं, ठीक है। तो डिस्क क्लीन किए तो ऑटोमेटिक जो है सो वर्क कर गया, ठीक है, और उसके बाद पार्टीशन क्रिएट होने लगा। तो उसके बाद हम विंडोज़ का NTFS पार्टीशन क्रिएट किए, और एक जब NTFS क्रिएट किए तो हार्ड डिस्क में अपने आप एक और पार्टीशन क्रिएट कर दिया सिस्टम रिजर्व करके जो करता है वो, तो 2 पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब तो विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आपको पता होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो अगर ये वीडियो बेसिकली कैसे इंस्टॉल करना है इस बारे में नहीं है, ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि आपको 8-8 सिस्टम कैसे चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली मेरे चैनल पर दूसरा वीडियो होगा, जाके देख लीजिए, धन्यवाद इस बारे में। तो बेसिकली आपको जो है मतलब एक सिस्टम इंस्टॉल किए, उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है कि आप जो है सो दूसरे सिस्टम, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उबुंटू का ISO लिए, ठीक है। तो जनरली किसी भी लिनक्स का ISO लीजिएगा, और अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल है, तो हाँ एक चीज़ और, उस और नए वाले क्या कहते हैं जो सिस्टम है उसके लिए जनरली जो है आप क्या कहते हैं उसके लिए जो पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा विंडोज़ में, तो बेसिकली उसके बाद विंडोज़ में NTFS जो है सो क्रिएट होता है, और भी दो या तीन शायद जो है सो टाइप का पार्टीशन क्रिएट कर पाता है विंडोज़ उसके बाद। तो बेसिकली कहने का मतलब आप अपने उबुंटू के लिए पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाइएगा विंडोज़ से किसी भी कीमत पे। तो आपको करना यह है कि विंडोज़ जब क्या कहते हैं जब उबुंटू इंस्टॉल कीजिएगा, बूट कीजिएगा अपने USB को उबुंटू से, तो उबुंटू से जब बूट कीजिएगा, तो जब आप बेसिकली आप क्या कीजिए, जब पार्टीशन क्रिएट कीजिए ना, मतलब जब पार्टीशन क्रिएट किए, जैसे एक छोटा सा पार्टीशन क्रिएट किए विंडोज़ के लिए, एक सिस्टम रिजर्व अपने आप ले लिया, बाकी जो पार्टीशन होगा आपका अनलोकेटेड होगा। तो उस अनलोकेटेड पार्टीशन को आप क्या कीजिए, चुपचाप एक स्पेस बना दीजिए, ठीक है। जितना पार्टीशन आपको अथी के लिए चाहिए, कहते हैं अपने उबुंटू सिस्टम के लिए, उतना जो है आप उतना खाली रहने दीजिए, अनलोकेटेड रहने दीजिए, बाकी को आप एक स्पेस बना दिए NTFS करके, ठीक है। ऐसे इसलिए होगा, ऐसे में ये होगा कि मतलब जो आप इंस्टॉल कीजिएगा ना उबुंटू, तो आपको ऑप्शन देगा कि मतलब ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन चाहिए, कि मतलब ऑटोमेटिक में होगा, पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव वाइप कर देगा,
और बेसिकली आपका जो है पूरा क्लीन इंस्टॉल करेगा। लेकिन सबसे ऊपर में ऑप्शन होता है कि आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास विंडोज़ 10 पहले से है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि मतलब सबसे ऊपर में ही अगर आप उबंटू इंस्टॉल कर रहे हैं कि मतलब आप जो है अलॉन्ग साइड करना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो बेसिकली वो ड्यूअल बूट के बारे में पूछ रहा होता है, तो आप अलॉन्ग साइड क्लियर कर दीजिए। तो जब आप अलॉन्ग साइड क्रिएट कीजिए कहिएगा मतलब क्लिक कीजिएगा ना, तो उसके बाद वो जो है सो क्या कहता है, पार्टीशन का ऑप्शन ही नहीं देता है कि आप किस पार्टीशन में अपना मतलब डालना चाहते हैं अपना सिस्टम। तो ऐसे में होगा या कि आपका जितना भी अनलोकेटेड सिस्टम मतलब क्या कहते हैं स्पेस था, वो सब का सब यूज कर लेगा, तो आपके वो बचेगा ही नहीं बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो बेसिकली आपको यही करना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेस बचाना है या स्टोरेज के लिए स्पेस बचाना है, उसको एक ड्राइव बना दीजिए, बाद में उस ड्राइव को डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल उस स्पेस को बना लीजिए और जितना एमबी आपको उबंटू के लिए चाहिए उसको अनलोकेटेड छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए और नॉर्मल इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अनलोकेटेड जो होता है जितना आप अनलोकेटेड छोड़े हैं उसी स्पेस को यूज़ कर लेता है, उसी के अंदर स्वॉप बना लेता है 2 GB ऑटोमेटिक अपने सिस्टम के हिसाब से, और आपका बेसिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूअल बूट हो गया। अब मान लीजिए ट्रिपल बूट करना है, तो ट्रिपल बूट में आप जैसे जैसे आप ज़्यादा बूट कीजिएगा मतलब ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा वैसे वैसे टेंशन और प्रॉब्लम जो है सो बढ़ता जाता है, समझ गए। हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क 10 तरीके का जो है सो तरीके से फॉर्मेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, हर एक सिस्टम में जो है सो डिटेक्ट नहीं करता है। मतलब एक तो नॉर्मल पार्टीशनिंग आप कर सकते हैं कि चार पार्टीशनिंग कर सकते हैं, तो हम जब उबंटू क्रिएट किए तो एक पार्टीशन तो हो गया कि हम स्पेस के लिए ड्राइव बनाए, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक पार्टीशन हो गया, दूसरा पार्टीशन हो गया सिस्टम रिजर्व जो विंडोज़ के लिए था, और विंडोज़ का अपना मतलब अपना कहने का मतलब विंडोज़ का 2 पार्टीशन अपना हो गया, एक सिस्टम रिजर्व और एक विंडोज सी ड्राइव, और उबंटू का अपना एक मतलब हो गया जो कि जिसको हम अनलोकेटेड छोड़े थे और उसमें वो स्पेस यूज़ कर लिया, ठीक है। थर्ड जो यूज करता है, थर्ड जो खाली रह गया जो जिसको आप NTFS बना दिए थे या फिर कुछ भी बना दिए थे किसी फाइल फॉर्मेट में, वो हो गया पार्टीशन। तो कहने का मतलब बेसिकली एक हार्ड ड्राइव में 4 पार्टीशन से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं होता है, तो आप तीसरा बूट मतलब ट्रिपल बूट कैसे कीजिएगा। तो इसका हम बहुत दिन से सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे यार क्या होगा यार, तो एक सॉल्यूशन निकला कि मतलब आप जो है ना पार्टीशन को सब पार्टीशन कीजिए, ठीक है। जैसे एक पार्टीशन जब क्रिएट कर दिए ना मतलब जो जिसको आप पार्टीशन बना दिए थे NTFS करके, उसको आप फिर से डिलीट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब उसमें पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा ना, तो वो सब पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सब पार्टीशन बन जाता है, पार्टीशन नहीं बनता है, उस पार्टीशन के अंदर पार्टीशन बन जाता है। अच्छा लगा वैसे, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मान लीजिए थर्ड सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए SteamOS रख लेते हैं, ठीक है। तो SteamOS आप इंस्टॉल कीजिएगा, तो उसका इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है, उसका बूटेबल USB बनाना है, ठीक है, बूट करना है USB से। उसके बाद आप जो है सो उसका उसका जो है आप उसका पार्टीशन ना आप उबंटू से क्रिएट कर पाइएगा, ना ही किसी सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर पाइएगा, और ना ही आप विंडोज से क्रिएट कर पाइएगा, समझ गए। विंडोज बेसिकली उबंटू जो है सो EXT4 जो है सो पार्टीशन सॉरी हाँ पार्टीशन टाइप सपोर्ट करता है, फॉर्मेट जो है ड्राइव का EXT4 या ऐसे करके EXT2, तो EXT4 ही ज़्यादा बेहतर है जो भी हो। तो कहने का मतलब कि वो उस तरीके का फॉर्मेट करता है, लेकिन आप 4 पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन विंडोज़ में उससे ज़्यादा पार्टीशन आप क्रिएट नहीं कर पाइएगा 4 से, और कर भी सकते हैं तो वो जो है सो बेसिकली NTFS या EXT Fat या ऐसे करके कुछ तीन तीन चार फॉर्मेट में कर पाएंगे। EXT4 ना हाँ EXT4 में नहीं कर पाइएगा, फैट में होता है या NTFS में होता है, ऐसे के 2-3 होता है। EXT4 जो कि चाहिए रिक्वायर्ड उसमें नहीं कर पाए। अब बात आते हैं उबंटू में, उबंटू ऑफकोर्स जो है EXT4 फॉर्मेट कर सकता है क्योंकि वो लिनक्स बेस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो करेगा ही नहीं। जब आप करने की कोशिश कीजिएगा तो बोलेगा कि ऑलरेडी 4 पार्टीशन क्रिएट है, तुम क्या करोगे क्रिएट, समझ गए। वो वैसे नहीं बोलता है लेकिन लिखता है कि हाँ ऑलरेडी 4 पार्टीशन क्रिएटेड है, आप जो है एक्स्ट्रा पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तब हम सोचिए यार अब क्या किया जाए, तब हम बेसिकली जो है सो मतलब उसका मतलब SteamOS का अपना पार्टीशन डिस्क यूज़ किए। वो क्या किया, जब SteamOS ऑन किए ना मतलब जब बूट किए उसको USB से, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बूट
जो होता है किसी भी सिस्टम यूएसबी को जो बूट कर क्या किसी भी सिस्टम को जो बूट करते हैं तो दो टाइप का बूट होता है, एक UEFI होता है और एक होता है क्या होता है वो पता नहीं क्या होता है यार, एक UEFI होता है और एक और होता है शायद, तो UEFI का सिक्योर बूट ऑन होता है एक ऑफ होता है, चार ऑप्शन होता है जनरली। पुराने लैपटॉप में कोई नहीं होता है, पुराने लैपटॉप में आप सीधे बूट कीजिए सीधे इंस्टॉल कीजिए, लेकिन अब के लैपटॉप जितने भी अभी नए आ रहे हैं लैपटॉप्स सभी में यही प्रॉब्लम होता है कि जनरली सिस्टम इंस्टॉल करने में बहुत से लोगों को अगर उबुंटू के लैपटॉप खरीदते हैं तो उसको उनको जो है सो विंडोज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आप किसी विंडोज़ के टूल से पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाइएगा, एक्सपर्ट तक जो जो जनरली वो रेगुलर काम करता है वो नहीं कर पाएगा अगर आप उबुंटू का सिस्टम पहले से खरीदें तो। आप विंडोज़ का सिस्टम पहले से खरीदें उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है दोबारा तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि वो NTFS में फॉर्मेटेड है, लेकिन अगर आप उबुंटू का खरीदे हैं तो आप दोबारा नहीं कर पाइएगा। ये बहुत ही जो टेक्निकल में ज़्यादा जिनको पता है वही जानते हैं, जैसे कि हम वैसे वैसे हम अपना बराए नहीं करना चाहते लेकिन रियलिटी यही है तो हम क्या करें। हाँ तो बेसिकली यही हुआ। तो उसके बाद जब आप थर्ड पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा तो उसके अथी पार्टीशन मैनेजर से आप जब क्रिएट कीजिएगा तो आपको दो पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा SteamOS के। पहला सॉप, सॉप में मान लीजिए 2 या 3 GB दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए सॉप में, सॉप में ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए क्योंकि सॉप हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। सॉप अगर आपको पता नहीं तो ये बेसिकली जो है सो टेम्पररी रैम का होता है, कहने का मतलब कि हार्ड डिस्क को जब आपका रैम फुल हो जाता है तो टेम्पररी जो है सो रैम वाला फाइल सबको हार्ड डिस्क में स्टोर करता है कि जो है सो आपका गेम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है वो बंद ना हो, ठीक है। तो एक जो है सो आपको पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली क्या बोल रहे थे यार, हाँ सॉप पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। और जब सॉप पार्टीशन क्रिएट हो जाए तो उसके बाद जो है सो अपना अपना जो है सो उसके बाद क्या कहते हैं उसी के पार्टीशन मैनेजर में होता है ऑप्शन कि उसका अपना पार्टीशन जो है सो क्रिएट कीजिए। देखिए आप कुछ भी कीजिए, कोई भी एग्जैक्ट नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पहले उबुंटू कीजिएगा सॉरी विंडोज़ कीजिएगा उबुंटू कीजिएगा उसके स्टीम ओएस कीजिएगा, आपका ऑर्डर अलग हो सकता है, आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार जो है सो सिस्टम मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अलग हुआ तो। यहाँ हम सिर्फ अभी फिलहाल तो हम तीन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बताएंगे क्योंकि ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिलहाल हम तीन का बताएंगे स्टीम ओएस, उबुंटू, विंडोज और स्टीम ओएस। वैसे भी ये तीनों काफ़ी है गेमिंग के लिए, हो गया स्टीम ओएस, उबुंटू हो गया लिनक्स बेस्ड, लिनक्स बेस्ड एक होना चाहिए और विंडोज़ तो विंडोज़ है। मैक ओएस भी अगर आप करना चाहते हैं मैक ओएस का हैकिंटॉश तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसके बारे में अभी हम नहीं कुछ बता सकते क्योंकि हम कन्फर्म नहीं है उसका, उसमें ड्राइवर समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसका ड्राइवर नहीं मिलता है जनरली, तो इसलिए जो है सो ये कॉम्प्लिकेटेड है और सब पे काम नहीं करता। अगर आप हैकिंटॉश इंस्टॉल करना चाहिए अगर तो सब लैपटॉप पे जनरली इंटेल बेस्ड पे काम करता है, और ड्राइवर ढूंढना आपके स्पेसिफिक लैपटॉप के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो यही बात है, समझ गए। तो कहने का मतलब अब अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो जब आपका जब आप पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा उससे तो उसमें आप EXT4 डालिएगा, और वो पार्टीशन क्या करेगा जो आप जो जब फ्री स्पेस जो मतलब छोड़े जिसको फ्री स्पेस छोड़े थे उसको पार्टीशन क्रिएट करने से पहले जो है सो दोबारा से उसको खाली कर ले, अनलोकेटेड कर ले, उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि वो बोलेगा कि पार्टीशन कैंट बी यूज्ड, ठीक है, दोस पार्टीशन कैंट बी यूज, अगर पार्टीशन कैंट बी यूज बोले तो समझ जाइए कि वो पार्टीशन जो है बेसिकली यूज नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज़ को मतलब आपके तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं उसको स्टीम ओएस को इंस्टॉल करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो जो है सो बेसिकली सब पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाएगा उस पार्टीशन में, क्योंकि उसका पार्टीशन फॉर्मेटेड जो होगा ना पहले से NTFS या इसी टाइप विंडोज़ टाइप में किसी में फॉर्मेटेड होगा, तो उसको आप सब पार्टीशन करने का कोशिश कीजिएगा तो बेसिकली नहीं होता है। तो आपका जो उबुंटू का पार्टीशन था ना उसी को बेसिकली श्रिंक कर दीजिए तो वो पहले से जो है सो EXT4 पार्टीशन या फिर ऐसे करके जो कुछ उबुंटू लिनक्स बेस्ड जो पार्टीशन होता है उसमें होगा तो उसको श्रिंक कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक बोलेगा कि हाँ ये पार्टीशन कैन बी यूज, और वो जो है सो सब पार्टीशन क्रिएट करेगा उस वाले पार्टीशन में जो जो कि आप श्रिंक किए हैं उबुंटू से। आप विंडोज से श्रिंक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसमें इंस्टॉल कर लें तो बोलेगा कि नहीं हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल ट्रिपल बूट, समझ गए।
ट्रिपल बूट तो हो गया, उसके बाद आप उस अगर आप सब पार्टीशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहें तो बेसिकली वो ले लेगा, 100 पार्टीशन क्रिएट कर लीजिएगा उसका ओरिजिनल पार्टीशन, और उसका नॉर्मल इंस्टॉलेशन जैसे होता है होता है, ठीक है। तब जो आप जनरली क्या कहते हैं स्टीम ओएस जब इंस्टॉल कीजिएगा तो जो आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फाइल कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको बोलेगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपके आपके सिस्टम में तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है या दो पहले से है, कहने का मतलब। तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरा लैपटॉप बंद हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आप जो है सो क्या सही में उसमें पार्टीशन क्या बोल रहे थे यार, भूल गए। एक मिनट रुक जाइए, हम भूल गए, थोड़ा याद कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। हाँ तो बेसिकली हम बोल रहे थे कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो उसके बाद जब बोलेगा कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पे पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिएगा? ग्रब इंस्टॉल करना चाहिएगा। बेसिकली ग्रब एक जो है सो एप्लीकेशन है जो सीधे इंस्टॉल किया जाता है आपके हार्ड ड्राइव के सबसे ऊपर वाले, उसकी पता नहीं किस में इंस्टॉल किया जाता है, जो भी हो। तो वो बेसिकली करता है ये कि जब आप हार्ड ड्राइव से आपका जो बूट करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो डिसाइड करता है कि किस मतलब बेसिकली किस पार्टीशन से जो है सो आपका बूट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रब ग्रब वही होता है कि मतलब उसमें अगर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं तो वो ड्यूअल बूट के समय काम आता है, आप चूज कर पाइएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब आप उबुंटू इंस्टॉल कीजिएगा तो उसी के समय आपका ग्रब ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, समझ गए। तो इसलिए जो है सो आप जब क्या कहते हैं सेंट क्या बोलते हैं स्टीम ओएस, हाँ स्टीम ओएस के समय कीजिएगा तो वो बोलेगा ग्रब इंस्टॉल करने के लिए, जबकि आपका ग्रब पहले से इंस्टॉल होगा। हम ग्रब को इंस्टॉल किए थे पहले से, उसको कस्टमाइज करके रखे हुए थे एकदम बढ़िया से, मतलब बढ़िया से दिखने में लगे, तो हम करके रखे थे। अब हम उस ग्रब को जो है सो बेसिकली नहीं चाहते थे कि मतलब वो डिलीट हो या फिर उसको हटे, लेकिन जो है सो स्टीम ओएस बिना उसके ले नहीं रहा था। तो हम क्या किए, बेसिकली बोले कि आई डोंट वांट टू, उसके बाद ऑप्शन आया कि मतलब उसमें हम कोई पार्टीशन नहीं सेलेक्ट किया और कह दिया कि इंस्टॉल ग्रब। वो बेसिकली पता नहीं कहाँ ना कहाँ इंस्टॉल कर दिया ग्रब, लेकिन कहीं वो एक्चुअली में इंस्टॉल नहीं हुआ ग्रब, और मेरा हार्ड ड्राइव में पहला तो पहले जैसा ग्रब था वैसा ही है। तो आप उसके बाद सिस्टम रिबूट कीजिए, आप सिस्टम रिबूट कीजिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा क्या बोलते हैं उसको स्टीम ओएस का, वहाँ पे वही दिखेगा जो पहले से था विंडोज और उबुंटू। तो इसके लिए आपको उबुंटू में फिर लॉगिन कर लेना है, उसके बाद ग्रब कस्टमाइजर सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपको नहीं पता तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रब कस्टमाइजर सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऑफिशियली उसके वेबसाइट से या उसका जो रिपोजिटरी होता है उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको जानना है कैसे इंस्टॉल करते हैं ग्रब कस्टमाइजर तो ट्यूटोरियल देखिए यूट्यूब पे। आपको कहे ना कोई भी एक निश्चित चीज़ नहीं है, आप कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि चार चार बूट, पाँच पाँच बूट, आठ आठ बूट कैसे करें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्ड ड्राइव से कैसे चला। एक एक इंसान तो यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में तो हालत ख़राब हो जाता है, सब कर नहीं पाते हैं, यहाँ आठ आठ की बात कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट एकदम कहे ना ये एक्सट्रीम लेवल का बात है जिसको, और बहुत लोग तो कह देंगे कि यार होगा ही नहीं आठ बूट, क्योंकि संभव नहीं है, एक हार्ड ड्राइव पर चार पार्टीशन मैक्सिमम क्रिएट होता है। सही बात है, हम इतना तो कह सकते हैं कि बेसिकली अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो जनरली जो लिनक्स का पार्टीशन है उसमें लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा तो उसको श्रिंक करके जो है सो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर विंडोज़ का पार्टीशन है तो बेसिकली विंडोज़ का पार्टीशन है तो विंडोज़ NTFS वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, समझ गए। तो NTFS विंडोज़ अपने आप में इकलौता है तो उसके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो छोड़ दीजिए विंडोज़ का पार्टीशन में कोई और इंस्टॉल होगा भी नहीं। लिनक्स वाला जो पार्टीशन था उसको जब शुरुआत में क्रिएट कीजिए तो कोशिश कीजिए कि बड़ा थोड़ा ज़्यादा साइज़ का क्रिएट कीजिए, क्योंकि बाद में उसी को स्ट्रिंग करके सब पार्टीशन बनाना चाहिए आपको। तो इसका कहना है ये ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब पे कोई देगा ही नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि किसी के पास किसी को नॉलेज ही नहीं है, कभी कोई मतलब आठ बूट एक साथ नहीं किया है, और अगर कोई किया भी है तो कहे ना वो एकदम एक्सट्रीम लेवल हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, और वो भी ट्यूटोरियल तो है ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। अगर मे बी हो सकता है होगा, हम चेक नहीं किए, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जो भी हो। तो चलिए नेक्स्ट चीज, तो जब ये क्या कहते हैं पार्टीशन आपका क्रिएट हो जाए, सॉरी जब आपका जो है सो ग्रब में नहा आ रहा होगा तो ग्रब कस्टमाइजर उबुंटू में इंस्टॉल कीजिए। जब ग्रब कस्टमाइजर इंस्टॉल कीजिएगा ना
तो उसको ओपन कीजिए। जब ओपन कीजिएगा तो वो लोड करेगा क्या आपके हार्ड ड्राइव में कितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, बस आपको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे सेव का बटन होगा उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा ग्रब आपका। उसके बाद रिबूट कीजिए तो आपका जो है सो उसमें लिस्ट में आ रहा होगा तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं। चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम आप, ये तो बहुत ही कम चांस है कि आप उसी हार्ड ड्राइव में कर पाइएगा। बेसिकली बात ये हो जाता है कि आप चार पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, एक सब पार्टीशन ऑलरेडी, कितना सब पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर कर पाए सब पार्टीशन क्रिएट किसी भी कारणवश तो आप लकी हैं और आप कर पाइएगा नेक्स्ट चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन बेसिकली आप जनरली कोई कर नहीं पाता है, तो बेसिकली आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कोई और हार्ड ड्राइव में ट्राई कीजिए। आपके सिस्टम में बेसिकली दो हार्ड ड्राइव साटा केबल होता है जनरली लैपटॉप्स में, तो एक में आप हार्ड ड्राइव वन लगा लीजिए, मतलब ड्राइव जीरो, एक में ड्राइव वन। तो ड्राइव जीरो में चार तीन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हो गया, ड्राइव टू में भी सॉरी ड्राइव वन में भी जो है सो चार सॉरी तीन ऑपरेटिंग सिस्टम आ ही जाएगा, तो तीन तीन छः हो गया मैक्सिमम। और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, अगर सब पार्टीशन क्रिएट करने में क्या कहते हैं आप सक्सेसफुल रहे, तो आप आठ आठ पार्टी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक में चला पाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली आठ पार्टीशन कैसे, आठ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाते हैं ये तो एग्जैक्टली हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। एग्जैक्टली उसमें प्रोसीजर बदल जाएगा, प्रोसीजर बदल जाएगा तो यही बात हो जाता है, ये डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आप जो है सो दूसरे वाले हार्ड ड्राइव का जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्रब में लोड करना, ये भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, समझ गए। तो यही तीन ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही रखिए, अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको ज़्यादा क्या चाहिए, समझ गए। तो ये हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये उबुंटू ही या कौन सा सिस्टम है, तो बेसिकली ये उबुंटू ही है, प्रूफ दिखा लेते हैं आपको। ये बेसिकली हम इसको कस्टमाइज किए हैं, तो इसलिए लग रहा है कि मैक ओएस है, लेकिन एक्चुअली में मैक ओएस मोहावे या जो भी कह लीजिए, लेकिन एक्चुअली में ये उबुंटू 18.10 है, बस मैक ओएस नहीं है। तो बड़ा ट्यूटोरियल लंबा हो गया मेरे ख्याल से, बस यही कंप्लीट गाइड था कि आपको कैसे जो है मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करना है, ठीक है। 6 मिनट हो गया, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद, और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप डिज़र्व करते हैं, हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे बेसिकली। अगर मिल गया आपको फोन, नहीं छोड़िए फ़ोन नंबर देने का, अब हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा फ़ोन नंबर बेसिकली है 7 0 प्लस 9 1 लगा लीजिएगा, +91, और क्योंकि इंडिया का कोड है +91। उसके बाद 7 0 7 9 2 7 2 9 3 7, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपको अगर कोई भी टेक्निकल मदद चाहिए तो मतलब आप जो है सो सीधे सीधे जो है मतलब कॉल कर सकते हैं, हम आपको फ्री में आपको ट्यूटोरियल बता देंगे, आप वीडियो चैट पे या कोई भी अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हेल्प करना चाहिए, वैसे भी हेल्प करने में क्या जाता है। वैसे भी मेरा सब्सक्राइबर काउंट कम है, तो इस वीडियो को बहुत कम लोगों को देखेगा, तो जो भी देखेगा उसके लिए चलिए मेरा फ़ोन नंबर, अगर आप करना चाहते हैं एक्साइटेड है तो क्यूरियस। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।